नमस्कार, मैं चिराग सचदेवा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में जिसका नाम है गुफ्तगू। इस वक्त मैं हांसी के किला पर मौजूद हूं। आप सभी जानते हैं किला यहां का काफी मशहूर है, पृथ्वीराज चौहान यहां आखिरी शासक थे। और इस वक्त यहां पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है 21 जून। पूरे भारतवर्ष में अगर मैं बात करूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको संबोधित किया था और पूरे भारतवर्ष में इसको मनाया जा रहा है, जोरों शोरों पर मनाया जा रहा है। और आप यहाँ पे तस्वीरें देख सकते हैं, ये सामने आप एक बार तस्वीरें देख लीजिए, काफी संख्या में यहाँ इस वक्त लोग मौजूद हैं और सोशल डिस्टेंसिंग को अच्छे से फॉलो किया गया है। हांसी के विधायक विनोद भ्याना भी इस वक्त यहाँ मौके पर मौजूद हैं, आप खुद देख सकते हैं तस्वीरें। और साथ साथ आप लोगों को दिखा दूं, लोगों में क्रेज है क्योंकि सभी लोग फिट रहना चाहते हैं, सभी लोग फिट हेल्थ को अपना जो हेल्थ सिस्टम है उसको सेट करना चाहते हैं, सही करना चाहते हैं। उसको देखते हुए जो ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है उसको बहुत अच्छे से अच्छे स्तर पर मनाने के लिए सभी लोग यहाँ पर एक्टिव नजर आ रहे हैं। तो आप लोगों को ये सारी तस्वीरें दिखाएंगे और आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको सारी यहाँ चीजें दिखाई जाएंगी। वापिस ये गर्दन के चार अभ्यास, इसी के साथ ही अगला अभ्यास राइट हैंड अप, दूसरे हाथ से सिर के पीछे रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ की मसल से उनकी स्ट्रेच। नेक्स्ट फुल रोटेशन, पूरी गर्दन को घुमाते हुए ऊपर जाएंगे तो लेंगे, नीचे आएंगे। ये तो सबको आवश्यक हो गया, ऑन स्क्रीन सबका टाइम पड़ गया, लैपटॉप पे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि योग हमारे जीवन के लिए बहुत उत्तम है और बहुत जरूरी है। आप देखें कि एक आम भाषा है, करें योग रहें निरोग। जो लोग योग को अपने जीवन में हमेशा हमेशा के लिए अपना लेते हैं निरंतर, वो निश्चित तौर पे बीमारी उनको छू भी नहीं सकती। अभी आपने कोरोना काल में देखा, जिन लोगों ने हमेशा लगातार कोरोना काल में योग किया, पहली बात तो उनको कोरोना हुआ ही नहीं, अगर हो गया तो केवल और केवल योग से ही उन्होंने उस बीमारी से छुटकारा भी पा लिया। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी का, जब से उन्होंने इस देश की बागडोर संभाली है योग पे उन्होंने विशेष बल दिया है। और मैं आपके माध्यम से जनता से भी यही कहना चाहूँगा कि निश्चित तौर पर हमें निरोग रहने के लिए योग को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। 21 तारीख से सर वैक्सीनेशन पूरा अभियान चलाया जा रहा है और 18 से ऊपर के जितने भी एज के ग्रुप वाले हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीनेशन प्रोवाइड कराई जा रही है सर। बिल्कुल, आज भी हांसी में काफी जगह वैक्सीनेशन, आज मेगा वैक्सीनेशन डे है। तो क्या कहना चाहेंगे सर लोगों को? मैं लोगों से अपील करना चाहूंगा कि हमने इस देश को कोरोना से मुक्ति दिलानी है और निश्चित तौर पे अगर हमने वैक्सीनेशन करवा लिया, आप चेक करें कि पड़ोसी ने करवाया है कि नहीं, पड़ोसी ने करवा लिया तो रिश्तेदार को देखें और नजदीकी को देखें, मित्र को देखें, दोस्त को देखें, क्योंकि इस देश से कोरोना जब ही भागेगा जब एक का एक आदमी कोरोना वैक्सीन करवा लेगा। तो मेरी आपके माध्यम से गुजारिश है हांसी की जनता से कि आज कोरोना वैक्सीन डे है और हमने 6 जगह प्रबंध किया है कोरोना वैक्सीनेशन के लिए। जैसा कि मैं अभी बता रहा था, राधा स्वामी सत्संग आश्रम है, सिविल हॉस्पिटल है, 4 कुतुब गेट पे हमारी डिस्पेंसरी है, हम जय भारत मंडल है, पंचायती धर्मशाला है और श्रीराम धर्मशाला मुल्तान नगर कॉलोनी में। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आज वैक्सीनेशन करवाएं, हमारा 5,000 का लक्ष्य है और हमने सबके लिए पुख्ता सूर्य नमस्कार शरीर की 12 स्थितियां हैं। सामने और ऐसे बैठ, ठीक है। और हम कैसे उठते हैं? कॉन्फिडेंस के लिए क्या चीज देखी जाती है? आप कैसे चलना, कैसे सामने रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, कोई भी काम करो, कोई चीज उठाओ तो ऐसे रीढ़ की हड्डी सीधी करते हैं। रीढ़ की हड्डी स्पाइन बहुत महत्वपूर्ण है। आप जो भी समस्या है जिनको बताएंगे, मैं आपको बताएंगे, उन्होंने आपकी प्रॉपर्टी को संभाल लिया। बिल्कुल, उनकी जो स्पाइन है मनुष्य की खड़ा कर रखने में महत्वपूर्ण, स्पाइन का जो लंबर एरिया है सबसे नीचे वाला जहाँ कमर दर्द सबसे ज़्यादा होता है, L4, L5 में और पोकस में और सैक्रम में, ये जो स्थान है सबसे ज़्यादा